नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। राजनीति को और सत्ता को अपने इशारों पर नचाने वाले नीतीश कुमार के लिए मौजूदा दौर में एक ऐसी चुनौती सामने आई है जिसे लेकर के नीतीश कुमार शायद पिछले 17 वर्षों में सबसे असहज स्थिति में को महसूस कर रहे होंगे। दरअसल नीतीश कुमार ने जब पिछले महीने राष्ट्रीय जनता दल के और अन्य 6 दलों कुल 7 दलों की सरकार बिहार में बनाई, तो उस सरकार को बनाने के बाद नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट का भी विस्तार किया। कैबिनेट का विस्तार करने के बाद उनके मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, तो इसके अलावे जो हम है, शेष अन्य दल हैं, उन सभी दलों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व देने हुए मंत्री भी बनाया गया। ऐसे में नीतीश कुमार ने सबको मंत्री तो बना दिया, लेकिन एक ऐसे मंत्री भी बने हैं जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में सीधे सीधे यह भी बताने से नहीं चूकते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार में, आपके नाक के नीचे आपकी सरकार में क्या क्या खामियां हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है, किस तरीके से जो नेता हैं, जो इस सरकार में मंत्री हैं, वो अपने विभागों के संचालन में, अपने उत्तरदायित्व को संभालने में बार बार इसलिए असहज हो जाते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार का राज्य में बोलबाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुधाकर सिंह की, वही सुधाकर सिंह जो इस समय राज्य में कृषि मंत्री हैं। और अगर आपको याद होगा तो सुधाकर सिंह ने पिछले सप्ताह ही कहा था कि मैं चोरों का सरदार हूं और मुझसे ऊपर भी कई बड़े बड़े चोर बैठे हैं। ऊपर कौन से बड़े चोर बैठे हैं, कौन वो चोर हैं जिसे सुधाकर सिंह अपने से भी बड़ा चोर बता रहे थे, उसके ऊपर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन इतना जरूर है कि सुधाकर सिंह ने इशारों इशारों में यह जरूर कह दिया कि उनका जो विभाग है, कृषि विभाग, और साथ ही साथ बिहार सरकार के अन्य तमाम जो विभाग हैं, वह विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। और उन्होंने इसे खुलेआम सार्वजनिक रूप से बाद में मीडिया के बाद सामने भी दोहराया तेहराया और बार बार कहा कि मैं जो बातें बोल के आया हूं उस पर अभी भी पूरी तरीके से अडिग हूं। बातें यहां तक आई कि जब सुधाकर सिंह कैबिनेट मीटिंग में नीतीश कुमार के साथ बैठे थे तो उस समय भी उनसे पूछा गया कि आपने ऐसी बातें क्यों की, और उस पर नीतीश कुमार को उन्होंने खड़े मुंह जवाब दिया कि जो बातें थी मैंने वही कही है। यहां तक कि मीडिया में आकर के भी सुधाकर सिंह ने फिर से बाद में कहा कि मैंने जो बातें कही थी उसके ऊपर मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि हाँ, मैंने बातें कही थी। और मेरे ऊपर अगर जहां तक कार्रवाई की बात है तो वह मैं राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, मैं उनको मानता हूं, वह मुझे जो कहेंगे मैं वो करूंगा। यानी कि उन्होंने नीतीश कुमार से अपनी दूरियां जो है अपना पल्ला झाड़ते हुए यह तय कर दिया, यह बता दिया कि नीतीश कुमार जी भले ही राज्य के मुख्यमंत्री हों लेकिन मैंने जो बातें कही हैं उसके ऊपर मैं अडिग हूं, और अगर हमारे नेता तेजस्वी यादव जो कहते हैं मैं उसे पर ही बातें करूंगा। लेकिन दरअसल अब इस पे यह आई है कि नीतीश कुमार को मैं क्यों कह रहा हूं कि पिछले 17 वर्षों में शायद वह इस असहज स्थिति को पहली बार मौके, याद कीजिए 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, फिर 2010 में बने, फिर बाद में सत्ता का ऐसा घालमेल हुआ कि एक बार उन्होंने जीतन राम मांझी को बनवा दिया, फिर 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी, 2017 में फिर से वो एनडीए में आए, फिर से सरकार बनाई, 2020 में फिर से सरकार बनाई। और इन तमाम एनडीए के साथ सरकार बनाने के दौरान नीतीश कुमार का जो तेवर और कलेवर रहा वो बेहद खास हुआ करता था। उस दौरान नीतीश कुमार ने जैसी अपनी मर्जी हुई उस मर्जी के अनुसार उन्हें हांकने वाला मुख्यमंत्री बताया गया। कई जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो बार बार इस बात को कहते रहे कि सरकार चलाने के दौरान नीतीश कुमार ने अपनी हर उस मर्जी को हमारे ऊपर जाल लागू करवाया जो वह चाहते थे। यहाँ तक कि कई बार जो भारतीय जनता पार्टी के उस सरकार में शामिल मंत्री रहे, उनके जो दल से शामिल मंत्री रहे, उन दल के मंत्रियों से शामिल ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि हमारे यहाँ यह है, हमारे विभाग में यह है, सरकार को लेकर। याद कीजिए जो रामसूरत राय थे, रामसूरत राय ने राज्य में भ्रष्टाचार का मुद्दा को उठाया था। यहाँ तक की स्थिति हुई थी कि जब उन्होंने सीओ का तबादला किया उनके विभाग ने, तो उस तबादले की रिपोर्ट को बदल दिया गया। इसी तरीके से कई ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार बिल्कुल ठाट बाट के साथ, बिल्कुल अपने तौर तरीके के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हांकते रहे, यहां माने कि उनके मंत्रियों को, उनके विभागों को हांकते रहे। वहीं मौजूदा स्थिति हो गई है कि जो राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल में यह तो एकमात्र है सुधाकर सिंह, इसके अलावा भी कई अन्य नेता हैं जो खुले तौर पर इस चीज को स्वीकारते हैं कि पिछले 17 वर्षों में जो राज्य में परिस्थितियां नहीं, नीतीश
नीतीश कुमार की सरकार में वह जो रही वह अब बदलनी चाहिए और वह उस अनुरूप होनी चाहिए जिस अनुरूप तेजस्वी यादव और लालू यादव अभी तक जनता से वादा करके सरकार चलाते रहे हैं। मुसला मूल रूप से भ्रष्टाचार का ही है कि राज्य में भ्रष्टाचार किस कदर फैले, तो इसे लेकर के नीतीश कुमार शायद पिछले 17 वर्षों में पहली बार इस असहज स्थिति का सामना कर रहे हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते हुए उनका एक अलग रूप होता था, उनको उनका सत्ता को हांकने और चलाने का एक अलग तजुर्बा होता था, तर्जुमा होता था, वह अब बदल चुका है और अब नीतीश कुमार के सामने चुनौती देने के लिए पहली बार राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अभी सुधाकर सिंह का नाम आया है। हो सकता है कि आने वाले समय में इसी तरीके से नीतीश कुमार को और भी कई और नेताएं जो ये बताने की कोशिश करें कि देख लीजिए हम क्या हैं और आप, तो सत्ता बदलते ही सत्ता का चरित्र और मिजाज भी बदल गया है। कल तक नीतीश कुमार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मंत्रियों को अपने इशारे पर हांक रहे थे, आज उनकी सरकार में शामिल होने के बाद भी राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से मंत्री बने सुधाकर सिंह अपनी मर्जी से बार बार इस सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं कि आपके काल में किस तरीके से शासन व्यवस्था गड़बड़ है, भ्रष्टाचार हुआ है और क्या मैं खुद को चोरों का सरदार और मुझसे ऊपर के लोगों भी चोर बतला रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कौन है। तो देखते रहिए आगे इस सरकार में और क्या क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 4 नेशन पे।